क्योंकि 12 लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हैं अमरनाथ में जो आपदा हुई है उसके बाद वहां पर, अब उन लोगों को निकालने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या अब अगला कदम सरकार का दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जया, देखिए अभी अमरनाथ में करीब 12 लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हैं, हालांकि उनको अभी बेस कैंप ले जाया गया है अभी जानकारी मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बात की है और जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उनको हर संभव मदद देने और जल्द से जल्द उनको उत्तराखंड वापसी के लिए मदद का अनुरोध किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन से। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के करीब अभी तो 12 लोग इस जिस तरह से बाढ़ अमरनाथ में आई थी उस दौरान फंसे हुए हैं, उनको बेस कैंप ले जाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो परसों एक दल देहरादून से गया है जिसमें 170 लोग जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर देहरादून से निकले थे, उनसे भी जिला प्रशासन की ओर से, डीएम देहरादून की ओर से और जितने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा फ़ोन किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। और जिस तरह से अमरनाथ में बेस कैंप में अभी करीब 5000 लोगों को रोका गया है और उसी दौरान 170 लोग देहरादून के भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के अमरनाथ यात्रा पर निकले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन से मुख्यमंत्री ने बात की है और यथासंभव मदद और जल्द से जल्द उनको देहरादून लाने और उत्तराखंड में वापसी लाने के लिए मदद की गुहार भी लगाई है। और पूरे मसले को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है, क्योंकि 12 लोग तो फंसे हुए होने की सूचना मिल रही थी लेकिन 170 लोग देहरादून से गए थे अमरनाथ यात्रा के दौरान, उनको लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर उनके दर्शन होते हैं तो ठीक है, वरना जिस तरीके की तबाही अमरनाथ में देखने को मिल रही है बादल फटने के बाद में तमाम दिक्कतें वहाँ के जो श्रद्धालु हों यात्री हैं उनके सामने आ रही हैं। हालांकि 170 लोग वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और करीब अमरनाथ यात्रा के दौरान ही बेस कैंप में 5000 लोगों को रोका गया है, उन्हीं में 170 लोग भी वो शामिल हैं। 12 लोगों के फंसने की सूचना जरूर थी लेकिन जिला प्रशासन जम्मू कश्मीर की ओर से ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई है कि वो 12 लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको बेस कैंप ले जाया जा रहा है और जल्द ही उनको देहरादून और अलग अलग क्षेत्रों के जहां उन्हें भरोसा दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द लाया जाएगा। विनोद आप बने रहिएगा, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।